दोस्तों, जगत स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट जो हिसार की आन बान और शान है, इसकी शुरुआत सेठ किशनचंद जी हिंदुजा जी ने की। इसकी सफलता का पूरा श्रेय सेठ किशनचंद जी हिंदुजा जी को जाता है। शुरुआती दिनों में वो एक ढाबा चलाया करते थे, ढाबे से चाय का खोखा। उसके बाद उनकी दूसरी पीढ़ी जिन्होंने 89 में एक रेस्टोरेंट की शुरुआत करी और आज जगत स्वीट्स जो एक सफलता का मिसाल पैदा करता है हम सबके लिए, जिस बुलंदियों पर है, हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है और बहुत लाजवाब रेस्टोरेंट है। आज दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी मिलकर के इस रेस्टोरेंट को संभाल रही है और आज जिस बुलंदियों पर जगत रेस्टोरेंट है, हम सबके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। तो ये वीडियो को अंत तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। सो वेलकम फूड लवर्स, एज यू नो आज हम खड़े हैं हिसार शहर के अंदर। हिसार सीरीज चल रही है आज। ये है वो रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप जिसकी हम बात कर रहे थे, जिनकी आप एक हर एक आइटम की अगर आप बात करो, आप स्नैक्स की बात करो, आप स्वीट्स की बात करो, आप आप समोसे कचौरी, इनकी एक एक चीज़ इतनी टेस्टी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, अंदर चल के मैं आपको दिखाऊँगा अभी कि क्या है सब कुछ। और बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत उम्दा टेस्ट है। अगर आप हिसार शहर के अंदर किसी को भी बोलोगे जगत रेस्टोरेंट, एवरीबडी नोज कि इनकी लोकेशन क्या है। फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, जगत रेस्टोरेंट का लोकेशन जो है ये हिसार का भगत सिंह चौक के अंदर हम खड़े हैं। और दिखाइए थोड़ा सा चौक, ये है जो भगत सिंह चौक, और बिल्कुल चौक के पास है ये शॉप रेस्टोरेंट। तो लेट्स गो इनसाइड और बातचीत करते हैं और थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। सो गाइस, फेमस जगत रेस्टोरेंट जो हिसार के अंदर है, वहाँ पे हम खड़े हैं। तो भैया जो है यहाँ पे शॉप, ये रेस्टोरेंट संभालते हैं, तो बातचीत करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, कैसी शुरुआत रही, सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आप यहाँ पर आए। और आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम आपके सभी सब्सक्राइबर को कहेंगे कि भैया का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, मैं भी शेयर करूँगा, लाइक करूँगा, मेरे भी सभी फ्रेंड्स हो गए सब्सक्राइब जरूर करें भैया का चैनल। थैंक यू सर सो मच। आपका नाम बताएं सर पहले। मेरा नाम मनीष हिंदुजा सर। ठीक है सर, तो ये रेस्टोरेंट की शुरुआत जो है ये कैसे हुई सर? सर रेस्टोरेंट की शुरुआत ऐसे थी, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, नहर होती थी। अच्छा जी। नहर से पहले वहाँ हमारा उस कोने में एक ढाबा टाइप होता था, नहर कटने के बाद यहाँ रोड आई। अच्छा। रोड के बाद एक चाय का खोखा लगाया था हमारे दादाजी ने। अच्छा जी, कब की बात है सर ये? ये सर 1989 से पहले की बात है। 1989 में हमने यहाँ रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी थी, मिठाई का काम और स्नैक्स वगैरह का काम स्टार्ट करा था। उससे पहले हमारे यहाँ चाय का काम था, और उसके बाद धीरे धीरे माता रानी की कृपा से हमारे दादाजी ने काम करा, उसके बाद हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी जैसे यहाँ खड़े हैं, अब उसके बाद मेरी तीसरी पीढ़ी है। अब मैं, मेरे ब्रदर वगैरह, हम सारे तीसरी पीढ़ी यहाँ पर काम, मतलब यंग जनरेशन अब संभाल रही है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। आपकी जो मैंने जो सुना है हिसार शहर के अंदर, आपकी एक एक आइटम जो आपके समोसे हो गए, आपके जो ये जो है ब्रेड पकौड़े हो गए, आपकी जो मिठाइयाँ होंगी, और अभी स्नैक्स भी है जो आपने ऐड किए हैं ये। तो सर स्नैक्स का काम अभी कुछ रिसेंटली 5-7 दिन ही हुए हैं, अभी स्टार्ट करा हमने। चीज़ चिली मंचूरियन, बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, अब ये अभी 5-7 दिन से स्टार्ट करा है। और रही स्पेशलिटी की बात, हमारे यहाँ के समोसे, छोले भटूरे, छोले पूड़ी और ब्रेड पकौड़ा, टिक्की। और आप खाली छोले लेना चाहें ना, खाली छोले भी हमारे यहाँ अवेलेबल मिलते हैं। और आप पनीर की क्वालिटी हमारे यहाँ सबसे बेस्ट मिलेगी। और अब अगर आपको मैं क्वालिटी की बात करूँ, दादाजी ने पिताजी और को ये बात सिखाई थी, कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमारे पिताजी और ने हमारे को ये बात सिखाई है, कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छे से अच्छा घी, अच्छे से अच्छा रिफाइंड और हमारे यहाँ यूज़ करा जाता है। आप कभी भी आओ देखो, फॉर्चून से नीचे का रिफाइंड कभी यूज़ नहीं करके देखा, राग से नीचे का घी कभी यूज़ करके नहीं देखा था। यही हमारे समोसे में, अगर आप कभी भी देखो किसी भी मिठाई के अंदर, आपको कभी भी कोई स्मेल नहीं मिलेगी। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है, हमारे यहाँ दिन में कम से कम भी 3 बार रिफाइंड चेंज करा जाता है। हाँ जी। तो गाइज मैं बताऊं कि मैंने इनकी कुछ चीज़ें जो है पहले से खाई हुई हैं, जैसे इनके समोसे जो है, ब्रेड पकौड़े जो है, और प्याज वाली जो कचौरी जो है जो हिसार शहर के अंदर मेरे को नहीं मिली कहीं पे। हाँ, देखो प्याज की कचौरी के अंदर अपना क्या है, अपनी स्टफिंग है ना, वो सबसे अलग है सर। अच्छा जी। उसमें आलू और प्याज की जो हमारा मसाला होता है वो हम स्पेशली हमारे कारीगर ने खुद बनाया हुआ है। अच्छा, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, 15-20 मसाले उसके अंदर मिक्स हैं और जो उसके अंदर टेस्ट लाते हैं कचौरी का। अब मैं मसाले तो आपको बता नहीं पाऊंगा क्या क्या हैं। हाँ जी जरूर जी। बहुत मतलब अल्टीमेट इनका जो जितना भी जो आइटम्स है, चाहे मिठाइयाँ की बात करूँ, चाहे इनका जो दही भी बहुत बिकता है, जो सिंपल आप दही और
स्पेशल दही की पंजाबी लस्सी विद मलाई। अच्छा ये हमारे तो यूँ समझ लो आप गर्मी के टाइम कभी आओ और अपनी एक लस्सी पी लो और मलाई खा लो, तृप्ति हो जाती है भैया। यूँ बंदा कहता है बोला आप तो स्वर्ग में आ गया, ऐसी ठंडक महसूस होती है। तभी तो जो आप हिसार की जान और शान है ये रेस्टोरेंट जगत रेस्टोरेंट जो भगत सिंह चौक पे। हाँ जी, यार भगत सिंह चौक पे नियर गांधी चौक पड़ाव चौक। और ये आन बान शान जो हिसार की है ये आप सबके मुताबिक है भैया, आप लोग सब लाइक करते हो तो ही हमारे रेस्टोरेंट में। जो मेहनत करी हुई है हर एक चीज़ को है, जो क्वालिटी मेंटेन करी हुई है, जो सारी इतनी सारी आइटम्स हैं, मैं कंफ्यूज हो गया आके कि मतलब कुछ आइटम्स जो है मैंने ऑलरेडी खा रखी है, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। जो आपने बताया जैसे स्नैक्स है, तो स्नैक्स में मैं इनकी फिर चीज़ चिल्ली ट्राई करता हूँ सर। आपकी चीज़ चिल्ली जो है, चीज़ चिल्ली की मैं आपको सबसे बड़ी पहली बात तो बताऊँगा, चीज़ चिल्ली का सबसे बड़ा सवाल होता है पनीर के ऊपर। हाँ जी। और पनीर हमारे रेस्टोरेंट में खुद का होता है और हमारी खुद की डेयरी है। अच्छा, वहीं से दूध आता है और वहीं से उस दूध का ही पनीर पाड़ते हैं। और पनीर हमारा इतना सॉफ्ट मिलेगा, पनीर भी कच्चा खाओगे ना बहुत मीठा होता है। चीज़ चिल्ली का असली स्वाद पनीर के अंदर होता है। आप चीज़ चिल्ली ट्राई जरूर करना और मज़ा आ जाएगा सर, हिसार की गारंटी लेता हूँ, कोई नहीं बना सकता अपने जाए चीज़ चिल्ली। तो ये शॉप के बिल्कुल सामने अलग से जलेबी भी बना रहे हो सर आप? सर जलेबी हमारे आपको हिसार के अंदर डालडा घी में देसी घी का स्वाद आने वाली जलेबी हमारे यहाँ जगत स्वीट्स में मिलेगी। और ऐसी जलेबी आपको पूरे हिसार में नहीं मिलेगी जिस प्रकार के हमारे यहाँ जलेबी बनाई जाती है, बिल्कुल छोटा साइज और लाइट मीठा। हमारे यहाँ बोर्ड पे भी लिखा पड़ा है जगत की स्पेशल जलेबी। अच्छा, आपको स्पेशल ही लगेगी, एक बार जलेबी खाओगे कहीं और की जलेबी नहीं खा पाओगे, गारंटेड है। देखो जलेबियाँ तो मैंने बहुत खाई है बहुत फेमस जगह की, लेकिन यहाँ की मैंने जलेबी ट्राई नहीं करी पर्सनली। तो साइज दिखाओ एक बार दर्शकों को, देखो साइज ही बहुत छोटा है इसका तो। 365 दिन में से 360 दिन आपको यही साइज मिलेगा। 5 दिन जब कह रहा हूँ मैं, जो त्यौहार का टाइम होता है दिवाली लगा लो दशहरा लगा लो, उस टाइम ये जलेबियाँ पूरी नहीं हो पाती। सिर्फ साल के अंदर 5 दिन के लिए कहता हूँ हाँ भाई इससे बड़ा साइज मिल सकता है जलेबी का नहीं, 360 दिन आपको यही साइज मिलेगा और यही क्वालिटी मिलेगी जलेबी। ठीक है, फिर जलेबी तो बनती है ट्राई करना आप। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है सर, जगत रेस्टोरेंट के स्पेशल जो है चाइनीज़ इन्होंने अभी अभी ऐड किया है, उससे पहले अगर मैं बात करूँ इनके समोसे कचौरी मिठाइयाँ छोले भटूरे एवरीथिंग इज अल्टीमेट। सो नाउ यहाँ की जो है चीज़ चिल्ली मैं ट्राई कर रहा हूँ चाइनीज़ के अंदर। जैसा ये एक ब्रांड है एक्चुअली हिसार शहर के अंदर जगत रेस्टोरेंट एक ब्रांड है, जो कुछ भी आइटम बनाएंगे अल्टीमेट होने वाली है। सो इसलिए मैंने आज इनका जो है चीज़ चिल्ली का ऑर्डर किया है कि चीज़ चिल्ली ट्राई करते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। सो लेट्स नो विदाउट मच अडू विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं इसका टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ चिल्ली कैसी है स्वाद में। अभी आपने इसकी मेकिंग देखी, मेकिंग में ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था, एंड नाउ इट्स रेडी एंड लेट्स नो द फर्स्ट बाइट ऑफ द चीज़ चिल्ली। वाओ हाँ हाँ सुपर। यू नो आप चीज़ चिल्ली खाओगे कई बार आपको ओवर ओवर मसाले मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ना ग्रेवी जो है एक्स्ट्रा स्पाइसी कर देते हैं, या फिर आप बात करो बहुत ज़्यादा मसाले बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं कि आपको मज़ा नहीं आएगा चीज़ चिल्ली खाने में। लेकिन ये वाली जो मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ चीज़ चिल्ली इनकी, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, बहुत अच्छा टेस्ट है। आई रेकमेंड कि आप इनकी एक बार चीज़ चिल्ली ट्राई करें चाइनीज़ के अंदर। बाकी और जो आइटम्स हैं यू नो दैट कि इनका टेस्ट तो है अल्टीमेट है, इनकी सभी आइटम्स बढ़िया है, लेकिन चीज़ चिल्ली जो है मैं इनको कहूँगा काबिले तारीफ़ यार, जो इन्होंने ये नया जो कुछ ट्राई किया है रेस्टोरेंट के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हाईली रिकमेंड कि आप चीज़ चिल्ली खाएँ, बहुत यमी है यार। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव विजिटेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एंड आई हैवन्ट सीन कि इतनी छोटी और करारी जलेबी यार। वाह जी वाह, लुक देखिए गाइस यार, माय गुडनेस करारी करारी यार।
मज़ा आ गया यार, साइज देखिए यार, क्या खा के देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा लगता है। ओए हो, भैया ने जैसा बोला था ना कि डालडा घी के अंदर ये जलेबी बनी हुई है, उसका मतलब देसी घी का स्वाद है, मतलब अल्टीमेट है, गजब यार, बहुत ज़बरदस्त लगी यार मुझे यार। आप जलेबियाँ खाते हो, आपको एक जलेबी खा के लगता है बस यार बहुत हो गया, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, मन करता खाता रहूँ यार, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, सुपर। तो गाइस, हमने चीज़ चिल्ली का टेस्ट किया अल्टीमेट, जलेबियाँ खाई अल्टीमेट, मिठाइयाँ इनकी है वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, मिठाइयाँ मैंने ऑलरेडी खा रखी है क्योंकि इतना सारा मैं रिव्यू नहीं कर पाऊँगा। तो अभी जो है हमने इनकी एक स्पेशल है आलू प्याज की कचौरी, जो माय गुडनेस यार, लुक एट दिस, आलू प्याज की स्टफिंग की हुई है, हिसार शहर के अंदर कहीं नहीं मिलेगी आपको प्याज वाली कचौरी, साइज़ देखिए आप, वाओ, मंदी आँच पे इसको ना पकाया जाता है तब जाके ये ऐसी फूलती है, लौंजी की चटनी है और मलाईदार लस्सी, वाओ, मज़ा आ जाएगा। जलेबियाँ, इनका चीज़ चिली और अब ये दही वाली लस्सी और प्याज की कचौरी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या है मज़े। मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मेरे साथ मेरा फ्रेंड है रिको, वो भी टेस्ट करेगा इसको, बट पहले मैं बताता हूँ आपको। वाओ, स्टफिंग देखिए आप, आलू प्याज की स्टफिंग की हुई है, वाओ, टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको कि क्या है नज़ारे। हाँ हाँ, शब्द नहीं है मेरे पास, क्या नज़ारे हैं यार, इतने टाइम से फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं ना कहूँगा कि अब तक की मैंने जितनी भी कचौरियाँ खाई है, इस टाइप की कचौरी जो है जिसको चटनी के साथ खाते हैं, आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट कचौरी आई हैव एवर हैड, बहुत ज़बरदस्त है यार, ट्राई करो एक बार इनकी प्याज वाली कचौरी, मज़ा आ गया, गर्मा गर्म हमने स्पेशली बहुत वेट किया इसका, गर्मा गर्म कचौरी है यार। मज़ा आ गया यार, मैं मतलब क्या बताऊँ, चार कचौरियाँ खा जाऊँ मैं, इतनी टेस्टी है ये। मलाईदार लस्सी, वाओ, अभी हमने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम कालू लस्सी वाला, तो वो भी बहुत बढ़िया लस्सी थी, लेकिन अभी इनकी लस्सी ट्राई करते हैं कैसा है टेस्ट। मज़ा आ गया यार, मतलब एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको मिठाइयाँ मिल रही हैं, आपको स्नैक्स मिल रहे हैं, आपको यू नो फ्राइड मिल रहा है, आपको कचौरी, समोसे, ब्रेड पकौड़ा, भटूरे, अल्टीमेट है यार, मतलब हिसार की तो आन बान और शान मैं कहूँगा जगत रेस्टोरेंट, मज़ा आ गया यार। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फूड लवर तक पहुंचाएं और जगत रेस्टोरेंट पे आप जरूर आएं, मज़ा आ गया, बाय बाय, टेक केयर।